शहर के छावनी फाटक बाहर स्थित मुक्ति धाम के रास्ते के समीप गुरुवार को एक स्कूल बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक बस को बैक लेते समय विद्युत पोल के टक्कर मार दी, जिसके कारण विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया। यह तो गनीमत रही कि जिस समय बस विद्युत पोल से टकराई उस समय बस में कोई स्कूली बच्चे सवार नहीं थे, जिसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। क्षेत्रवासी करण गहलोत ने बताया कि एक निजी स्कूल की बस छावनी फाटक बाहर के क्षेत्र के बच्चों को स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर छोड़ने के लिए आई थी। इस दौरान बस परिचालक ने स्कूल के बच्चों को बस से नीचे उतार दिया, जिसके बाद बस खाली हो गई। इस दौरान बस चालक ने बस को बैक किया। इस दौरान बस रास्ते में लगे विद्युत पोल से टकरा गई, जिसके कारण विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया और सड़क पर गिर गया। पोल के नीचे गिरने से विद्युत सप्लाई भी बाधित हो गई, लेकिन घटना के दौरान वहां पर किसी के नहीं होने और बस में भी बच्चे नहीं होने से बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों की सूचना के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे था। विद्युत सप्लाई को सुचारू करने के लिए विद्युत पोल को दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया। छावनी फाटक बाहर स्कूल के बच्चों को बच्चे छोड़ने आती है बस, यहाँ पे बच्चों को छोड़ के बैग ले रही थी बस, उसमें बच्चे काफ़ी बच्चे थे और बैग लेते समय ये खंभा नीचे गिर गया। नीचे गिरने फिर हमने विद्युत विभाग को सूचना देके और लाइटें बंद कराई और अभी ये ठीक करने आए हैं विद्युत विभाग वाले। एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, उसमें काफ़ी बच्चे थे, गाड़ियाँ भी निकल रही थी, रोड पर ट्रैफिक भी था और ये है कि गनीमत रहा कि यहाँ कोई बड़ा हादसा होने से बच गया।